अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर 6 कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। सो आपको मालूम है कि आपका ये जो पेपर है 6, ये इसका टॉपिक है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। और आपका ये जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें ये कुछ हम कह सकते हैं टर्म्स हैं, जैसे कि डिकोलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिटरेचर, लिटरेचर एंड आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, इस तरह करके कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। सो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो एक लॉन्ग बनेगा ही, कि जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, या रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल सेंसिबिलिटीज़। सो बेसिकली अगर हम कॉलोनियल लिटरेचर की बात करते हैं, सो कॉलोनियल लिटरेचर किस लिटरेचर को करते मतलब उसमें क्या आता है? कॉलोनियल लिटरेचर में बेसिकली उन एस्पेक्ट्स को दिखाता है कॉलोनियल लिटरेचर जो उस समय जो साहित्य आया एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। वहीं जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो उन एस्पेक्ट्स को दिखाता है या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन को दिखाता है, और किन इशूज़ को दिखाता है? रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ वन से कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़। सो ये आपका जो मेजर डिफरेंस है कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे, इस पर आपका एक लॉन्ग और शॉर्ट तो आने को नो डाउट वो भी आ ही सकता है। इसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि इस तरह से आ सकता है कि लॉन्ग शॉर्ट में व्हाट इज़ कॉलोनियल लिटरेचर, व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। सो आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ अगले यूनिट की डायरेक्ट हम बात करते हैं, क्योंकि आप इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जैसे कुछ भी टर्म्स आते हैं, जैसे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है, ग्लोबलाइजेशन है क्या, और इस पर आप लोग थोड़ा सा इस पर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग तो आने की पूरी चांस है। फिर आपका यूनिट सेकेंड की बात करते हैं, इसमें जैसे होमी के भाभा का द अदर क्वेश्चन है, और ये प्रोज वर्क है, गुगी वा थियोंग का डीकोलोनाइजिंग द माइंड चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड है। इस तरह करके आपके प्रोज एंड पोएट्री यूनिट सेकेंड एंड थर्ड में डील करता है। सो हम डायरेक्ट कंटेंट की बात करेंगे। सो होमी के भाभा का ये जो अदर क्वेश्चन है, इसका फुल टाइटल क्या है? द अदर क्वेश्चन, द स्टीरियोटाइप एंड कॉलोनियल डिस्कोर्स। ये जो इनका प्रोज वर्क है, इसका फुल टाइटल है द अदर क्वेश्चन, द स्टीरियोटाइप एंड कॉलोनियल डिस्कोर्स। इसमें जो होम ये बी जो इसमें ब्रैक बाद में बी बी करके दिया हुआ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि बी ये किसको वो किया गया है, रिफ़र किया गया है भाभा को, होमी के भाभा को। सो प्लीज़ आप लोग इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो इनका अदर क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एम्बिवेलेंस को एड्रेस किया है। इसके बाद आप लोग इस पर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि आपका यूनिट सेकेंड है और लॉन्ग क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद आपका है डीकोलोनाइजिंग द माइंड द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। ये गुगी वा थियोंग का नॉन फिक्शनल बुक है उनकी, और ये पब्लिश हुई है 1986 में, और इसकी समरी आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस करूँगी भी नहीं। और इसमें आपके चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड प्रिस्क्राइब्ड हैं, सो बस थोड़ा थोड़ा समरी मैंने दे दिया है। चैप्टर फर्स्ट है आपका द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेज, और द चैप्टर सेकेंड है आपका द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन थिएटर। बस थोड़ा सा समरी आप इसका देख लीजिएगा। फिर अगला है आपका अंडर वेस्टर्न आइज फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप एंड कॉलोनियल डिस्कोर्स। ये एक एसे है, किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रा तालपेडे के द्वारा लिखा गया है। इसमें ये जो तालपेडे, हाँ मोहंती, इसमें जो मोहंती हैं, इन्होंने क्या एक्सप्लोर दिखा किया है, एक्सप्लोर्स हाउ वेस्टर्न स्कॉलरशिप ट्रीट्स वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड। किस तरह से जो वेस्टर्न स्कॉलरशिप रहे हैं, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड की वूमेन को किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है। अगला इसके बाद देख लीजिए, कि ये सब में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद ये है एडी होप का ये जो पोएट्री सेक्शन है, द डेथ ऑफ द वर्ल्ड, ये लॉन्ग पोयम है, और एडी होप ये ऑस्ट्रेलियन पोएट रहे हैं, और एडी होप जो हैं ये अलेक्जेंडर पोप से इन्फ्लुएंस रहे हैं।
ओके okay, इसके बाद ये जो आपकी एडी होप की पोयम है द डेथ ऑफ द बर्ड, ये 9 स्टैंजा में डिवाइड है और थोड़ा थोड़ा मैंने समरी लिख लिया है इसमें, मतलब समरी इंक्लूड कर दिया है हर स्टैंजा की, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आए जैसे कि आप इजीली इसमें इसको कर सकें। अगला देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ये नोट्स ही बड़ी मुश्किल से निकाला है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसके बाद ये आपका दिस लैंग्वेज दिस वी, मैंने ये यास्मीन गुनरेट ने, सॉरी इसका प्रोनंसिएशन जो भी आप लोग पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा ये जो आपके राइटर हैं ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, सो प्रोनंसिएशन भी थोड़ा सबका अलग अलग मुश्किल होता है। सो दिस लैंग्वेज दिस वुमेन, ये पोयम है जो लिखी गई है यास्मीन गुनरेटेन, और इसमें भी थोड़ा सा इसका मैंने बहुत थोड़ा सा ही कंटेंट वो किया क्योंकि गूगल पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं था, तो इसका आप थोड़ा सा एक देख लीजिएगा कि ये जो दिस लैंग्वेज दिस पोयम है इसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन पढ़ लीजिएगा जो मैंने इतना कंटेंट प्रोवाइड किया है, क्योंकि इस पर आपको मतलब वेरी शॉर्ट अगर क्वेश्चन आता तो आप जैसे कि कर लें। इसके बाद आपका है अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये डेरेक वेलकॉट की पोयम है और ये किसको किस पे बेस्ड है, अराउंड द स्ट्रगल्स इन अफ्रीका, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है और इसको भी थोड़ा सा इसकी भी समरी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला ये है मार्गरेट एटवुड का नोट्स टुवर्ड्स अ पोयम दैट कैन नेवर बी रिटन, इसका भी आप लोग थोड़ा ये जो पोयम है इसकी भी समरी देख लीजिएगा। इसके बाद ये आपका यूनिट 4 में शॉर्ट स्टोरीज एंड नोवेला है, इसमें 5 राइटर्स हैं जो कुछ हम अवेलेबल हो सका मैंने करा दिया है। इसमें ग्रेस ओगॉट की शॉर्ट स्टोरी है द ग्रीन लीव्स जो इनके 1968 कलेक्शन से ली गई है, और ये 1968 कलेक्शन का नाम क्या है, लैंड विदाउट थंडर, और ये पब्लिश की गई है ईस्ट अफ्रीकन पब्लिशिंग हाउस के द्वारा, कहाँ, नैरोबी केन्या में। तो इसकी भी थोड़ा सा ये जो शॉर्ट स्टोरी है द ग्रीन लीव्स इसकी भी थोड़ा समरी मैंने ऐड कर दिया है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका हाँ द कलेक्टर ऑफ ट्रीजर्स, ये बेसी हीट की का शॉर्ट फिक्शन है और ये 1977 में आया है। इसके बाद ज़्यादा कंटेंट था नहीं तो मैंने बहुत ही मुश्किल से इसको सारा कलेक्ट किया है। इसके बाद है आपका द गर्ल हु कैन, ये एमा एटा आयडू का है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका। इसके बाद है हाँ जैसे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने जो हो सका डाल दिया, एग्जामिन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एडजू इन द गर्ल हु कैन, सो जो एडजोआ करके गर्ल है ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है द गर्ल हु कैन, उसका करेक्टराइजेशन आपको बताना है, सो इसको भी देख लीजिएगा। अगला है आपका क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोर टोल्ड, ये गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज़ का है और ये है क्या, इट्स अ जस्ट वन मिनट, या इट्स अ नोवेला जो पब्लिश हुआ है 1981 में, और ये किस फॉर्म में है, ये स्यूडो जर्नलिस्टिक रिकॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म में है, और इट इज़ द स्टोरी ऑफ मर्डर ऑफ सेंटियागो नेसर बाय विकेरियो ट्विंस। इसके बाद आपका यूनिट 5th और 6th, ये फिक्शन एंड ड्रामा है, इसमें महाश्वेता देवी का द्रौपदी, ये शॉर्ट स्टोरी है, कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाल तो लिया लेकिन इसको डिस्क्राइब करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। सो इसके बाद ये वाटर है वापसी सिधवा का, ये नॉवेल है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ही मैंने सॉरी वापसी सिधवा का ये वाटर है, ये 2006 में पब्लिश हुई है और ये लेटेस्ट इनकी नॉवेल है। इसके बाद है आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का, ये डिब्यू नॉवेल है और ये एक प्रकार का फैमिली ड्रामा नॉवेल है। इसके बाद ये इमराल्ड सिटी डेविड विलियमसन का ये प्ले है, ये जो डेविड विलियमसन है ये ऑस्ट्रेलियन प्ले राइट हैं। इसके बाद ये जो इनका प्ले है हाँ इसके बारे में थोड़ा सा समरी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ चूँकि इतना कंटेंट मैंने आज अभी मॉर्निंग में ही इसको गूगल करके
बड़ी मुश्किल से वो किया है। तो प्लीज़ आप लोग ये जो भी कंटेंट है इसको अच्छे से अपना देख लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा। रही थर्ड पेपर की बात, ये जो आपका थर्ड पेपर है वो रिसर्च मेथडोलॉजी पे है, उस पर भी उस पर जो वीडियो है और स्टडी मटेरियल मैं आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।